फौजी ससुराल आई मॉडर्न बहू। अरे सारा घर फैला पड़ा है। बहुओं, लगता है माँ जी बुला रही हैं। जल्दी चल संजना। जी माँ। आ गई तुम दोनों? हाँ माँ, हम छत पर अचार सुखा रहे थे। माफ कीजिए, आने में कुछ सेकंड की देरी हो गई। बहुओं, तुम फौजी परिवार की बहुएं हो और हमारे परिवार में कान खुले और हाथों पैरों में रफ्तार वाले लोग रहते हैं, और अनुशासन हमारे घर की एक खास चीज है जिसे हम कभी भी नहीं छोड़ते। जी बाबा। चलिए रिटायर्ड फौजी साहब, अब बहुत हो गई बातें। बहुओं, तुम तो जानती ही हो कि आज तुम्हारी देवरानी के घर लौटने का दिन है। पगपेरे की रस्म के बाद से वो अपने घर ही है, लेकिन आज हम उसे लेकर आ रहे हैं, तो जब तक हम घर लौटे पूरा घर एकदम साफ सुथरा चाहिए। हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। देवरानी जी के घर लौटने तक पूरा घर चकाचक साफ हो जाएगा। सरोजा अपनी नई बहू को लेने उसके मायके आ गई और दोनों बहुएं घर को चमकाने लगी। माँ जी ने बोला था कि वो एक घंटे बाद लौट आएंगी, क्योंकि उसके बाद उन्हें सर्दी के लड्डू बनाने हैं। अगर एक घंटा बोला है तो वो एक घंटे में ही लौट आएंगी। जल्दी करो संजना, हमें एक घंटे में सारा काम निपटाना है। दोनों बहुएं एक घंटे में काम निपटाने लग गईं। और वहीं दूसरी तरफ, कहाँ है हमारी बहू? सरन्या अंदर ही है। आप बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, चाय नाश्ते का समय नहीं है। हमें यहाँ आने में आधा घंटा लगा है और घर लौटने में भी इतना ही समय लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। अरे आप लोग इतनी दूर से सफर करके आ रहे हैं तो ऐसे मत जाइए, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। माफ कीजिए, लेकिन इस समय के सहारा हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, और हमारा एक उसूल है कि हम अपने किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए माफ कीजिए, फिर कभी आपके यहाँ आएंगे। अच्छा, लेकिन अभी सरन्या के बाबा घर पर नहीं है, वो भी कुछ देर में आ जाएंगे। आखिरी बार अपनी बच्ची को वो भी आशीर्वाद के साथ विदा कर देते तो। क्या हम अपनी बहू को लेने फिर किसी दिन आए? नहीं नहीं, आपके पास अगर वाकई में समय कम है तो आप चली जाइए, सरन्या को मैं अभी लेकर आता हूँ। सरन्या का भाई अपनी बहन को ले आया और वो सिर्फ अपनी माँ और भाई को अलविदा कहकर अपने सास ससुर के साथ अपनी ससुराल के लिए निकल गई। अजीब लोग हैं। फौजियों का परिवार है ना, इसीलिए अनुशासन के कुछ ज्यादा ही पक्के हैं। एक तरफ घर में ये बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, कैसे लोग हैं ये? मेरी माँ ने टेबल भरकर नाश्ता लगाया हुआ था और ये तो एक लुपमा भी चक्कर नहीं आए। अब घर पहुंचने में हम पूरे 10 मिनट लेट हो जाएंगे। माँ जी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, सिर्फ 10 मिनट तो कुछ भी नहीं है, जब कहीं जाते हैं तो 2-3 घंटे भी लेट हो जाते हैं। बहू, ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें अनुशासन और वक्त की कदर नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में सारे काम बिल्कुल समय के हिसाब से किए जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए तू नहीं जानती है 10 मिनट कितने मायने रखते हैं। और अब तू भी हमारे ही परिवार का हिस्सा बन चुकी है, तो ये अनुशासन तू भी सीख लेना। सरोजा ने सरन्या को अपने घर के सारे नियमों के बारे में बता दिया। सरन्या उनके नियम जानकर हैरान थी। अगले दिन, हम आ गए बाबा। बहुत अच्छे, चलो अब जब सभी उठ ही गए हैं तो सूर्यदेव की पूजा करो। एक मिनट, नई बहू कहाँ है? लगता है वो नालायक अभी तक सो रही है। रजनी, लेकर आओ उसे। लाती हूँ। एक मिनट, ऐसे नहीं, ये सीटी लेकर जा बहू, और उसके कान पर ही बजाना। ठीक है। रजनी सीटी लेकर सरन्या के कमरे में चली गई और वहां जाकर जोर जोर से सीटी बजाने लगी। आ, हा, हा, उठ जाओ सरन्या, सुबह हो गई है। क्या इतनी जल्दी? अभी तो बस 5 ही बजे हैं। तो क्या हुआ, हम 5 बजे ही उठ जाते हैं, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। रजनी सरन्या को जगाकर नीचे आ गई और कुछ देर बाद सरन्या भी मूड सा सड़ाकर नीचे ही पहुंच गई। बहू, तू पूरे 15 मिनट लेट आई है। कोई नहीं, आज तेरा पहला दिन था तो आज के लिए हम तुझे माफ करते हैं। चलो अब मिलकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। नहीं, रहने दीजिए, अब समय नाश्ते का हो रहा है तो पूजा पूरा सूरज चढ़ने पर करेंगे। बहुओं, जल्दी से 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता लेकर आओ। तीनों बहुएं रसोई में चली गई। दोनों जेठानियां तो हवा की रफ्तार से काम कर रही थी, लेकिन सरन्या से इस तरह काम नहीं हो रहा था। अरे नहीं, ये दूध तो निकल गया।
ये तुम क्या कर रही हो सरन्या? ये भला कैसा परिवार है, यहाँ पर हर काम इतने समय की पाबंदी से क्यों होता है? मैं तो कमरे में जा रही हूँ, मेरे ये सब कुछ बस की नहीं है। सुनो तो सही। सरन्या नाराज होकर कमरे में आ गई। ये किस तरह के लोग हैं, अभी मैंने अपना वर्कआउट भी नहीं किया है, और ये है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं तो ओम जी से बात करके अलग हो जाऊंगी। हाँ, अरे सरन्या दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। देखो अभी तुम्हें ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में मुझे इस सब की आदत नहीं डालनी है। जानते हो आप सभी सनकी से नजर आ रहे हो। तुम हमारी बात तो सुनो। तुम दोनों नीचे आ जाओ, इसके चक्कर में अपना शेड्यूल मत बिगाड़ो। जी माँ। सरोजा अपनी दोनों बहुओं को लेकर जाने लगी कि तभी सरन्या ने दरवाजा खोला। माँ जी आप मुझे अपनी तरह नहीं चला सकती हो, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी, और अगर आपने मुझ पर जबरदस्ती चलाने की कोशिश की तो मैं अपने पति को बोलकर अलग हो जाऊंगी, समझी आप? कितनी जबान चला रही थी। कोई नहीं, चलो बहुओं तुम मेरे साथ चलो। सरन्या सारा दिन अपने कमरे में ही रही। उसने इस सब के बारे में अपने पति को भी बताया। एक तरफ उसकी जेठानियां थीं जो अपने सास ससुर के इशारों पर नाच रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सरन्या थी जो सारे काम अपनी मन मर्जी से कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सरन्या सारा दिन अपने हिसाब से ही रहती थी, जैसे देर से उठना और फिर अपनी मर्जी से खाना पीना वगैरह वगैरह। और एक दिन, सरन्या बहु मेरे लिए चाय तो ला। चाय? नहीं मैं नहीं लाऊंगी। क्यों, आप फिर से यही कहोगी कि इतने मिनट में चाय आ जाए? मैं पागल नहीं हूं बहू, बस हमारा सोने उठने खाने पीने के टाइम फिक्स हैं। मैं हमेशा ही घड़ी नहीं देखती रहती हूं। हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। मेरा तो इस घर में दम घुटने लग गया है। मैं तो अपने पति को फौज से भी बुला लूंगी और बस एक अलग घर में नॉर्मल सी जिंदगी जीऊंगी। ये सब मेरे बस की नहीं है। ऐसा नहीं है, तुझे ही ये सब ज्यादा मुश्किल लगता है, वरना तेरी जेठानियां भी किसी फौजी परिवार से नहीं थी, लेकिन देख ये भी यहाँ के माहौल में ढल गई हैं। ऐसे तू भी ढल जाएगी। मैं चाहती ही नहीं हूं। अरे ओम जी का फोन है। हेलो। सब कुछ खत्म हो गया सरन्या, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मैं भैया को लेकर घर आ रहा हूँ, माँ को फोन दो। क्या हुआ बेटा? माँ भाभी जी को संभाल लेना। न, 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 नहीं नहीं ये नहीं हो सकता बेटा। हम घर आ रहे हैं। सरोजा एकदम खामोश हो गई। घर में बहुत ही शांति सी छा गई। क्या बात है माँ, हुआ क्या है? तुम अपने पतियों को सलामी देते हुए विदा करना, उनके त्याग पर गर्व महसूस करना। क्या प्रकाश जी? पूरे घर में अचानक ही कोहराम मच गया। सरन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद सरोजा के दोनों बेटों प्रकाश और आलोक को घर लाया गया। माँ भैया बहुत बहादुरी से लड़े और हमारे देश के लिए जान दे दी। हाय मेरा लाल। आंखें खोलिए प्रकाश जी, आंखें खोलिए ना। सभी ने जवानों को बहुत जगाया, लेकिन अब वो कभी भी नहीं उठने वाले थे। ये पूरा मंजर देखकर सरन्या को उसकी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जवानों का अंतिम संस्कार हो गया। अब उन दोनों की मौत को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। माँ जी। हाँ बोल बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई है? जा तू जाकर सो जा, और हाँ जैसे तुम्हारा मन करे वैसे घर में रहना, बस मेरे एक बेटे को मुझसे अलग मत करना। माँ, माँ जी आप रोइए मत, मैं आपके बेटे को कहीं लेकर नहीं जा रही हूँ। ओम जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तो बस अपना अपना आराम ही देख रही थी। मैंने अपनी जेठानियों के साथ भी बुरा बर्ताव किया और आपको भी बहुत बातें सुनाई, लेकिन दोनों जेठ जी के जाने के दिन मुझे अपनी सारी गलत बातों का एहसास हो गया। मेरी जेठानियों ने तो अपने पति खो दिए, लेकिन वो अभी भी पत्थर की तरह मजबूत है, और एक मैं हूं जो
थोड़े से अनुशासन से परेशान हो गई। हमारे पति हमारे लिए, इस देश के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मुझे भी समझना चाहिए था। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू, सरोजा ने सरन्या को गले से लगा लिया। फिर क्या था, सरन्या को उसकी गलती महसूस हो गई थी, इसीलिए अब वो अपने घर में बाकी जेठानियों की तरह ही रहती थी। ओम भी बॉर्डर पर खूब मेहनत करता था और अब सब कुछ सही हो चुका था।